प्रधानमंत्री ने पहले तो जबरन केजरीवाल जी को जेल में डाला, फर्जी मामला बना के 23 दिन तक उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इंसुलिन नहीं दी। जेल से बाहर आए तो गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि ये फैसला गलत है। और तब से इतना ज्यादा बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल की जान लेने तक उतारू है। और ये ऐसे काम के लिए बददिमाग स्लीपर सेल्स इनके जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले भी केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं, मेट्रो के अंदर, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे खुलेआम हमले की धमकी दी जा रही है दिल्ली के 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री को। और भाषा अगर आप देखेंगे तो भाषा वही है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उन्होंने ही ट्रेंड किया है इसको। अंकित गोयल नाम का व्यक्ति है, क्या किया अब तक प्रशासन ने, पुलिस ने क्या किया इस पे? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री और पीएमओ ऐसे हमले को संचालित कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि उनका सारा काम पीछे से होता है, सामने से तो हिम्मत है नहीं लड़ने की। तो बीजेपी ये हमला कराना चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल पे हमला कराना चाहते हैं और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं सारे सांसद विधायक मंत्री, कि अगर केजरीवाल को कोई खरोच भी आती है तो सीधे तौर पे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हों। बीजेपी जा रही है, साफ हो रही है पूरे देश से। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। 10 साल में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के पास, ना वो बेरोजगारी दूर करने पर बात कर रहे हैं, ना वो महंगाई दूर करने पर बात कर रहे हैं, ना काला धन पे बात कर रहे हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री ये बताने को तैयार हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर इस देश के लिए क्या काम किया है, कितने पक्के मकान बनाए उन्होंने, कहां उन्होंने MSP दिया, कुछ भी बताने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव में हिंदू मुसलमान, मटन मछली, मुर्गा भैंस, मंगलसूत्र यही कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। आप चुनाव में कह रहे, कोई कह रहे भैंस खोल के ले जाएगा, कोई कह रहे मंगलसूत्र वो नोच के लेके चला जाएगा, तो आप क्या 10 साल से घास छील